दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएटी की काउंसलिंग से संबंधित कुछ जानकारी के बारे में। ठीक है, जो दूसरे राउंड की काउंसलिंग है दोस्तों, द्वितीय चक्र की काउंसलिंग होती हुई, यहाँ दिशा निर्देश दिए हुए हैं और कुछ महत्वपूर्ण डेट्स यहाँ पर दी हुई हैं, तो इन डेट्स को हम देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पर इसको देख लेते हैं। जिन अभ्यर्थियों द्वारा प्रथम चक्र की काउंसलिंग में अपग्रेडेशन विकल्प का चयन किया गया है एवं जिन अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन महाविद्यालय का चयन एवं निर्धारित केंद्रों पर दस्तावेजों का सत्यापन कराया है, ठीक है, तथा प्रथम चक्र की काउंसलिंग में महाविद्यालय में प्रवेश नहीं मिला है, तो आपने प्रथम चक्र की जो काउंसलिंग है दोस्तों, फर्स्ट राउंड की, उसमें सभी प्रक्रियाएं पूर्ण कर ली हैं लेकिन आपको अलॉटमेंट नहीं हुआ मिला है, ठीक है, महाविद्यालय में प्रवेश नहीं मिला। जिन्हें द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में उपलब्ध रिक्त सीटों पर प्रवीणता सूची के आधार पर आवंटन किया जाएगा, तो उनको दोस्तों सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग होगी उसकी जो भी मेरिट लिस्ट बनेगी उसके अनुसार अलॉटमेंट किया जाएगा, ठीक है, जिनका चयन पहले राउंड की काउंसलिंग में नहीं हुआ। ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें पहली बार सीट आवंटन हुआ है और जिन्हें पहली ही बार में अलॉटमेंट मिल गया है, वे समस्त अभ्यर्थी www.cripsonlineservices.com, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आंशिक शुल्क रुपये 5,000 ऑनलाइन जमा करेंगे तथा आवंटित महाविद्यालय में उपस्थित होकर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। तो दोस्तों, जिन भी छात्रों को फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में अलॉटमेंट मिल गया है, वह क्रिप्स ऑनलाइन सर्विसेज डॉट कॉम की वेबसाइट पर जाएं, लॉगिन करें, अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करें, उसमें आपको सभी जानकारी दी हुई है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है, उनकी कितनी फोटोकॉपी कराना है, अटेस्टेड करना है या नहीं करना है, ठीक है, और बस अभी डॉक्यूमेंट लेकर, और जो आप ऑनलाइन या आंशिक शुल्क जमा करेंगे 5,000 रुपये काउंसलिंग शुल्क, ठीक है, इसकी रिसीप्ट, ठीक है, जो भी कॉलेज आपको मिला है, आपके अलॉटमेंट लेटर में दिया होगा कौन सा कॉलेज आपको मिला है, उस कॉलेज में आपको उपस्थित होना है और प्रवेश की जो भी प्रक्रिया है, एडमिशन की जो भी प्रक्रिया है, उसको पूर्ण कराना है। अपग्रेडेशन का विकल्प अभ्यर्थियों को इस चक्र में प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। तो दोस्तों, अपग्रेडेशन का जो विकल्प है आपको सेकंड राउंड की काउंसलिंग में प्राप्त नहीं होगा, ठीक है, यह केवल फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में था। आगे लिखा है काउंसलिंग का यह अंतिम चक्र है, काउंसलिंग का यह अंतिम चक्र है, इसके साथ ही प्रवेश प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर कुछ डेट दी हुई है, इन डेट्स को अच्छे से नोट करिएगा क्योंकि यह लास्ट राउंड है काउंसलिंग का, ठीक है। कौन कौन से पाठ्यक्रम में प्रवेश है? बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री और बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता, जो अलॉटमेंट लेटर है दोस्तों आपके, ठीक है, वह 23 सितंबर 2019 से 25 सितंबर 2019 तक उपलब्ध रहेंगे वेबसाइट पर, तो 25 तारीख के पहले पहले आप इनको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो फिर आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। काउंसलिंग शुल्क का ऑनलाइन भुगतान, जो काउंसलिंग शुल्क आपको जमा करनी है दोस्तों अलॉटमेंट होने के बाद 5,000 रुपये, 24 सितंबर 2019 से 27 सितंबर 2019 तक जमा कर सकते हैं, रात के 12 बजे तक। इसके बाद आवंटित महाविद्यालय में शेष शुल्क के साथ उपस्थित, जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है दोस्तों, देखिए, जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है उस कॉलेज में आपको 25 सितंबर 2019 से 28 सितंबर 2019 के बीच उपस्थित होना है, जो भी प्रवेश की प्रक्रिया है, जो भी फीस है, उसको लेकर उपस्थित होना है और प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण करानी है, ठीक है। कॉलेज की टाइमिंग दी है 10 बजे से शाम 5 बजे तक, सुबह 10 से शाम 5। इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, इस पर भी विजिट कर सकते हैं, इस पर भी विजिट करते हैं, इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों, ऐसी जानकारी, जो नया अभी नोटिफिकेशन आया है सेकेंड राउंड की काउंसलिंग से संबंधित, ठीक है, और इसके दोस्तों अलॉटमेंट भी जारी हो चुके हैं फेज 2 के, ठीक है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा लेट बनाया हूँ दोस्तों ये वीडियो,
तो आप सेकंड फेज का अलॉटमेंट भी चेक कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।